हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप आप सब अच्छे होंगे। नहीं किया था भाई, बहुत अच्छा। आप लोग सोच रहे होंगे मैं आज फिर डायरेक्ट स्टूडियो पर बैठी हूँ, और ये देखो आधे हेयर्स भी हो रहे हैं मेरे, आधे हो गए हैं, और यहाँ मम्मी का भी फेशियल हो रहा है, और ये ही दीदी ये भी करवा के आई है भाई फेशियल। देखो ग्लो फेस पे, मम्मी का आधा हुआ है आधा ग्लो आ गया है, सही में ग्लो अच्छा आ रहा है। और दीदी दवाई खाते ही और दीदी का जो लोग मम्मी कभी कभी कराते हैं ना उनका ग्लो अच्छा आता है ना, और जो लोग रेगुलर कराते हैं ना फिर उनका नहीं दिखता कुछ। हाँ, और ये रिया गई हुई थी, नहीं गुम्मी गई हुई थी, अभी आई है वहाँ से, और मेरे बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आई है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और आते ही ना इस मतलब जहाँ भी ये गई थी ना, ठीक है, तो हमने इसके लिए इंडियन फूड मंगाया। गई बहुत ज़्यादा कैमरा शाय है, बहुत ज़्यादा मतलब पता नहीं, कैमरा में आना ही पसंद नहीं करती, कैमरा देखती हूँ ना इसके हार्ट बीट ऊपर नीचे हो जाती है। सो यहाँ पे दीदी ने मंगवाया है ये सांभर वड़ा, हम लोग ये खा रहे हैं, और दीदी डाइटिंग पे तो वो रोटी खाएगी, चावल भी है। हाँ, रोटी और चावल ही खा रही है, मत खाना डाइटिंग में ना, अगर खाया तो दिखा दूंगी। सो गाइस मेरे आधे हेयर्स हो गए, अब इसके बाद कलर होगा, मम्मी का फेशियल हो रहा है, और आज वो है हेयर वॉश। सो सब उसने रामू ने बनाया ना, जब मैं सोच रही आप दो चार अच्छा अभी खुद बना के लाइए खाना, ये और बड़ी बात है। आप देख सकते हो जो भी वुमेन काम भी करती है ना, ऐसा नहीं है वो घर का काम नहीं करती, 12 बजे आती है और खाना ही बना के लाती है, देख सकते हो। क्यों वो कौन सा डायलॉग चल रहा है आजकल, एक औरत रोटी बनाने से कमाने तक का क्या रखती है, वो डायलॉग है, कुछ याद नहीं आ रहा। तो चलो मिलते हैं आपसे, हम थोड़ा खा के फिर मेरे हेयर्स पूरे होंगे, फिर कलर होगा, फिर आज मेरा डन हो जाएगा। देख सकते हो मेरे इतने सारे एक्सटेंशन फिर से रिफिल हो गए, एक बार दिखाती हूँ फिर से कितने हैवी बाल हो गए मेरे, क्योंकि जो निकल जाते हैं ना थोड़े बहुत, और ये देखो मैं तो करा रही हूँ, और ये देखो ये खुद भी पहले फेशियल कराया, फिर अब हेयर वॉश कराया, कलर करा रही है दीदी भी, मैं भी, और खुद भी अपनी बॉटल लेके घूम रही है, दीदी भी करा रही है, मम्मा के बर्थडे की तैयारियाँ देख रहे हो, स्टूडियो में भी चल रही हैं, और ये हेयर स्टाइल देखो मेरा कितना अच्छा बना है। सो आप देख सकते हो, क्योंकि ना जो निकल जाते हैं ना फिर बाल थोड़े हल्के हो जाते हैं, फिर जब दोबारा से रिफिलिंग होती है तो बड़ी अच्छी लुक आती है, क्योंकि जो बाल नीचे आ जाते हैं ना फिर वो वापस से ऊपर लगते हैं। और मेरे एक्सटेंशन में तो कोई दिक्कत नहीं आती कभी भी, मतलब अब नहीं आती, पहले वाले जो मेरे एक्सटेंशन थे ना सही में जो मैंने करवाए थे उनमें आती थी, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, सुनते ही आ गई, सुनते ही अपना कराती घूम रही है दीदी भी, अपनी शैम्पू की बॉटल लेके घूम रही है, क्या ये हाँ कुछ और है गाइस, ये देखो दीदी ने रेड कराया था, लाइट हो गया, अब दोबारा करा रही है। सो अभी हम अपना दोनों कलर दिखाएंगे, ये भी कौन सा करा रही है और मैं भी। फिर फाइनली शाम हो गई आज फिर, और मेरा हेयर कलर हो चुका है, दिखा दे देव ये दिखाएगा अब। ऐसे आप लोगों को सच बताऊँ ना तो मेरे हेयर्स में ना अभी इतनी जान नहीं थी, पर दीदी ने क्या डाला वो क्या होता है नाम का, वो बताएंगे नहीं ज़्यादा, तो ना वो डाल के मैंने कलर कराया, क्योंकि मेरे हेयर्स ना बिल्कुल हेल्दी नहीं है, पर फिर भी मैंने कलर करा लिया दोनों के बर्थडे के लिए पूरा। मैं आपको अच्छे से घर जाके दिखाऊंगी, जब तक के लिए भाग जा गाइस, ये देव ना कैमरा शाय है ये भी इसलिए, और ये देखो और मम्मी मार रही हैं दीदी से बातें, पूरा ऐसे दिखेगा, ये देखो अंदर के बालों में गए थे मैगडी, क्योंकि हमें भूख नहीं लगी थी, क्योंकि हमने तो मोमोज वगैरह दीदी ने मंगाए थे सब खा लिया था, पर नोना के लिए लेना था मम्मी को फ्राइज वगैरह, और नोना के लिए लेना है, और मैंने भी कोल्ड कॉफ़ी लिया, क्योंकि मुझे कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद है इसलिए, तो अब लेके चलेंगे बस, और सामान तो ज़्यादा हो गया है, और ये वाला जो बैग है ना इसमें रिया मेरे लिए बैंकॉक गई थी वहाँ से गिफ्ट्स लेके आई है, वो वाले गिफ्ट्स है इसमें, घर जाके देखूँगी। खाने की चीज़ें थी इसमें बहुत अच्छी अच्छी, मतलब ना ब्रेड्स थी अलग अलग, वो तो हमने खा ली, मम्मी ऑर्डर का वेट कर रही है घर, और ये देखो बेचारे गरीब बच्चे कैसे खा रहे हैं, अरे मैया बर्गर उधेड़ डाला कतई, और ये देखो हाय बर्थडे गर्ल, माचो का कच्चा किसने टांग दिया यार, हद करते हो, हटाइयो गाइस, इग्नोर करना ठीक है, छुपा दिया पकड़ लो, लाओ
गाइस वो माचो का कच्चा नहीं था, वो ऐसे ही था। सो गाइस हम आ गए घर और इन्होंने बर्गर वर्गर लेके आए थे। ओए गुन्नू, गुन्नू मत डांट यार, उसका बर्थडे आ रहा है। मैंने आपको गुस्सा किया था? वो कह रही मेरा मंबल दे फिर तू। मंबल में छो जाओ, मंबल में छो जाओ। सो गाइस चलिए इन्हें खिला पिला देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। एक बर्गर मैं भी खाऊंगी, मेरा भी है। मेरी जाना जानू, मैं आ गई थी घर और ये ना कुछ गिफ्ट्स थे। इसमें एक गमी थी, ये बेरी गमी झुनझुना लेके बैठ गई खाने के लिए। एंड आई थिंक ये कप है जो दीदी की बेटी मेरे लिए लेके आई है। वाओ इतना सुंदर है, देखना यूनिक सा, बिल्कुल स्कूटर थाईलैंड। सो गाइस आपको पता लग गया होगा कि वो कहाँ घूमने गई थी, कहाँ से लेके आई मेरे लिए कप। ये तो कश्मीर के पास शैम्पूज लेके आई थी, और इसमें एक छोटा सा क्लहा, ये रहा नोना के लिए गुड्डू सा क्लेचर कह रही सॉरी पिन। ये मेरे लिए पिन, ये बैंगल, एक बड़ा वाला जो होता है ना ब्रेसलेट टाइप, एक ये बेबी हेयर बैंड नोना के लिए। एंड इसमें क्या है गुन्नू, ओपन करना प्लीज, ओपन दिस। ये देखो क्यूटू सा। और ये मेरे शैम्पू है, ये पम्मी का फेस मास्क है, और ये मेरा सिरम है, क्योंकि मेरे पास मास्क है ऑलरेडी, तो मैं मास्क लेके नहीं आई क्योंकि था मेरे पास इसलिए। और उसमें पता नहीं क्या है, दिखाइए। देखो ये लगा के बैठ गई, मुझे दे, मेरे हाथ में दे पहले बॉल। बॉल नहीं है आई थिंक, ये कुछ है, ये भी थाईलैंड से है। पकड़ियो कैमरा, मैं खोलती हूँ इसको, देख बॉल भी हो सकती है वो। नहीं इसमें टेप लगी हुई है भाई, ये इस तरीके से ओपन ही करना है। नो डोंट टच बेटा, दिस इज फॉर फ्रेग्रेंस। बेबी नो, ये रूम में ऐसे रखना है और फिर फ्रेग्रेंस हो जाएगी, फिर इसको ऐसे बंद कर देना है। बेबी आपकी तो नहीं है ये, इसको सारी उल्टी हमारे साथ। क्यों लेके जाऊं मैं, कहते मैं पापा के साथ जाऊंगी। मम्मी देखो व्लॉग नहीं बना दे रही अपना, कह रही है नहीं इसको मत लो कैमरा में। सो गाइज मैं अपना सामान उठा रही थी सारा, जो लेके जाना मेरा सूट सिल के आ गया, और ये भी साथ। हाँ तो लेट के तो चल रही हूँ। मम्मी चुप करा रही है, मत रो तो रो रही। क्या बेटा जाना है ना आपको, तो बैग बना रही हूँ ना, चुप चिल्लाया मत करो, गला खराब। चल नहीं रहे तू। अंशु डायपर उतार के दियो नोना के ऊपर से बेटा। अरे चल रहे हैं बाबा, चल रहे हैं। हर चीज में इतना गुस्सा ना, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। नहीं जाओगे आप, उतरो पापा के पास। किल सोकड़ा, आपको पता है निन्नू हमारे साथ आ गया था और हमेशा की तरह आराम कर रहे हैं, और ये घूमती रहेगी अब यहाँ पे ऐसे। और मुझे ना भूख लग रही थी, किचन की स्लैब भी बहुत गंदी हो रही है, इग्नोर करना, ये भी पूरा डस्टी क्योंकि ओपन है आपको पता है, तो मैंने साफ़ नहीं किया क्योंकि मैं तो ऊपर बर्तन में बना रही हूँ ना, इसलिए यहाँ मैं बहुत थकी हुई हूँ। 12 बज रहे हैं ऑलरेडी, और मैं यहाँ पे ना थोड़ी सी ही मैक्रोनी बना रही हूँ रात को 12 बजे, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। और मम्मी नीचे साग रोटी खाए थे, और मैं साग खाती नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी साग नहीं खाती सही में, मेरे को ना साग तो अच्छा लगता ही नहीं है। सो इसके कपड़े वगैरह चेंज करने हैं, इसके फेस की हालत पूरी गंदी हो रही है, चॉकलेट वॉकलेट, और अब इसने बनाना खाया था। हाँ बेटा इसमें चिज्जी नहीं है, ये दाल है, कॉफ़ी है, चाय पत्ती है, इसमें चिज्जी है, वो मैंने छुपा रखी है। सो यहाँ पे मैं मैक्रोनी बना रही हूँ थोड़ी सी अपने लिए बस, और एक दो बाइट ये खाएगी तो खाएगी, वरना आप अम्मी तो नीचे रोटी खाया है वो नहीं खाएंगे। सो मैं बना लेती हूँ, और ये मेरे साथ ऐसी घूमती रहेगी, अंदर जाएगी नहीं मम्मी के पास। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, और आज मुझे पास्ता ही खाना पड़ेगा, ऑनलाइन मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं है। रोज़ नोना के बर्थडे आने वाला होता है ना, तो मैं इतनी बिजी हो जाती हूँ इधर उधर इधर, मैं खाना भी नहीं बना पाऊँ। मैं दूध निकाल के रखा था, उबालूंगी ये दोनों दूध, और नोना के लिए क्योंकि चाहिए होंगे, और जब नोना आएगी तो फिर ना अभी दूध हमारा कम मंगवाते हैं हम। सो यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स फ्राई कर लिए। बेटा पीछे हो जा, पीछे हो, सॉस नहीं खानी, ये इसमें डलेगी सॉस की, सॉस और चीज़ वन। ये मम्मा खा रही है। नो नो मॉर्निंग। सो गाइस उठ तो मैं 6:30 भी गई थी, क्योंकि नोना को दूध दूध देना होता है ना, वो रोने लगती है, उसे भूख लगती है। 6:30 रोई थी, अब हो रहे हैं 9:55 पे, मैं उठी थी 10 बज रहे, इसका दूध गर्म करती हूँ क्योंकि इसे देना पड़ता है बीच बीच में, ताकि आराम से सोती रहे। और अब मुझे नहाना भी, आज 21 तारीख हो गई, आज मेहंदी और नेल्स होने हैं मेरे,
और अब आपको मेरा हेयर कलर तो दिख ही रहा होगा यार, क्योंकि ना मैंने अच्छी से कराया ना दीदी, सच में ना मेरे बालों में कलर कर ही नहीं रही थी, पता है मैंने जिद करके कराया है, क्योंकि यार मेरे ओरिजिनल बाल ना इतने डैमेज हैं ये देखो, क्योंकि मैंने बहुत सारे पहले भी ट्रीटमेंट ले रखे हैं ना, तो अभी तो मैंने इसमें बहुत हेल्दी ट्रीटमेंट्स कराए हैं कि हाँ मेरे बाल बोटॉक्स कराया कलर करने के बाद, और पहले कैरा स्मूथ कराई ताकि मेरे बालों में जान रहा है, क्योंकि मेरे बालों में बिल्कुल जान नहीं है, बट मेरे ओरिजिनल हेयर्स पे नहीं कराया मैंने कलर, सिर्फ एक्सटेंशंस पे करवाया, आप लोग समझ रहे होंगे, तो आपको दिख रहा होगा ये कलर है, दिखेगा जब जब मैं ना ये ऐसे क्लचर लगाऊंगी दोनों तरफ, ये देखो क्योंकि सारे ओरिजिनल बालों पे नहीं है, सारा एक्सटेंशन है, तो चलो लूना का दूध पहन के निकल ले, खुद देखो सोनी का स्टाइल कितना सेम है, वो भी ऐसी सोता है, ये भी ऐसी सोती है, उसका भी आधा है इसके अंदर, इसका भी है भैया, उठ गई थी दूध पिया और फिर से सो गई, और कह रही है मैं उठी तो मैंने बोला मैं बैठ गई, तो कह रही मम्मा आप भी सो, और अब नींद में थी दूध पी के सो गई फिर से, और गाइस मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़े, मैंने इनको बोला कि बाल कटवा लो प्लीज़, मना करे जा रहे हैं, पर मैंने अपनी कस्में दसमें दी हैं कि लुक अलग हो जाएगा बर्थडे पर, बाल कटवा लो तो कटवाएगी, वरना ऐसे सोते कि मैं ही अड़ताड़े काट देती हूँ फिर कटवा लेगा, ठीक है गाइस आज 21 हो गई है, बस कल का दिन है फिर दोनों का बर्थडे, मैंने एक बार उससे बात कर लो यार डेकोरेशन वाले से, बलून वालून की बात कर लेना, इधर देखना बाल कटवाओगे ना, नहीं कटवाओगे मैं गुस्से हो जाऊँगी फिर, तो मेरी कसम है बस, अगर मुझसे प्यार करते होगे ना थोड़ा बहुत भी 10% भी करते होगे ना तो बाल कटवाओगे, सुन रही है देख लेना, वरना मैं काट दूँगी यार, पता ही क्या है बहुत दिन से रख लिए बड़े बाल, अब एकदम यूनिक लुक हो जाएगा अगर छोटे रखेंगे गुल्लू के बर्थडे पर। हाय बेबी गुड मॉर्निंग, चीज दिखा रही है अपनी, गुड मॉर्निंग गाइस, मैं और पम्मी किचन में थे, पम्मी के व्लॉग में इतनी तेज चिल्लाई से कोई नहीं दिखा, मैं एकदम भक्ति भी आई, बेटा चीजी बोल रही ना पीछे बहुत, थैली पलट दो उसको, देखो कि दिखाई चीज ला हूं आपके लिए, देखो वाओ 3 4 5 6 पापा को थैंक यू बोलो, वेलकम बेटा, शेक करके देना देखो, खोलो गुड्डू, मैं उठ गई हूँ लग गई हूँ काम में, और खाना वाना बनाऊंगी, और नूना की ना गाड़ी 2 दिन से मुझसे चली नहीं रही थी, अभी ये लड्डू आया इसने स्टार्ट करी, क्योंकि मुझे तो स्टार्ट ही होनी नहीं आ रही थी ना मेरे को ना मम्मी को, फिर मैंने गीले कपड़े से सरफ से अच्छे से वॉश करी, वॉश नहीं मतलब बस पोछी, और ये गाड़ी चलवा रहा है इसे, और मैं अब सारा काम वाम में लगूँगी, चादर भी बदलनी है पर बदल इसलिए नहीं रही क्योंकि यार कपड़े धो रही, मैं 23 के बाद ही धोऊंगी अब इसके बर्थडे के, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं ना, नूना के बर्थडे के रिटर्न गिफ्ट की पेटियाँ, इसमें ना क्रॉकरी सेट है, इस बार हमने क्रॉकरी सेट लिया, मिनी क्रॉकरी सेट आ रहे हैं पापा, और ये जो बड़े डब्बे में आपको दिख रहे हैं ना ये नोना के गिफ्ट है जो पम्मी ने लिए थे, एक बार वाला गेट खोलना, कितनी पेटी रखा है आप अंदर, 2 पेटी अंदर रखा है, बाकी ये रख के आ रहे हैं, 5 पेटी है ना है ले रहे हैं पापा, इसमें गाइस अलग अलग है क्योंकि ना हमें पूरे ना इकट्ठे एक जैसे मिले नहीं थे, तो अलग अलग मिले तो हमने अलग अलग ले लिए, सारे डिब्बे हैं नूना के रिटर्न गिफ्ट के, और इसमें ना अलग अलग सेट है क्योंकि हमें सेम मिले नहीं थे, 1 2 3 4 5 6 डब्बे है ये, और इसमें एक में तो ये वाला सेट है क्योंकि ये ओपन था तो मिल हमने दिखा दिया आपको, दूसरे में वाइट कलर का सेट है, मतलब 3 डब्बे शायद एक के है, 3 डब्बे एक के है, क्योंकि हमने ना ऑनलाइन ही बुक करे थे, मम्मी से करवाए थे तो अंदर का पता नहीं है हमें, तो ये ऐसे सेट हैं इसमें, और इस बार ये वाले रिटर्न गिफ्ट रखे हमने, ये वाले रिटर्न गिफ्ट है इस बार, पिछली बार वैसे थे, और पम्मी कह रहा ऊपर चढ़ाएगा फिर नीचे उतारने पड़ेंगे क्योंकि कल ये जाएंगे बैंकेट हॉल, पहले पम्मी रख के आएगा तो इसलिए यहीं रख दिए, यहीं से गाड़ी में चढ़ा के और फिर चल जाएंगे, अंदर डाल दो उसमें डब्बे में, आप लोग देखिए नोना को नहलाने, और आंटी काम कर रही हैं, ऑलमोस्ट हो चुका है काम, झाड़ू हो गया, बर्तन हो रहे हैं, फिर पोछा आएगा, और इसको नहलाना बहुत मुश्किल है क्योंकि टब में बैठ जाती है फिर उठती नहीं है, हाय गुड्डू इधर हाय करो पहले, गुड्डू ओ गुड्डू हाय करना, फोन इधर है, फोन ये रहा, हाय हाय मैं ना रहा हूँ, नानू मेरे को नाना अच्छा लगता है, बोलो गाइस को बोलो मेरा बर्थडे आ रहा है, हैप्पी बर्थडे बोलो, बोलो गाइस, क्या गंदी हरकत है, नो बोलो गाइस,
जल्दी बोल जल्दी बोल। गाइज मेरा बर्थडे आ रहा है, मैं 2 साल की हो जाऊंगी। ए ए गुड्डू, ये मम्मा का चिता जो बच्चा ही। बाय कर दो बाय। अच्छा बाय। मैं नहा लूं। गुड्डू गुड्डू लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हाँ जो करना कर लो। बोले मम्मी हेलो गाइस करे। हाँ बोलो बोलो। मिनालिया अच्छी बच्ची बन गई। ऐसा मैं इसे रेडी करूंगी, फिर कशिश आ जाएगी, फिर हम अपने नेक्स्ट काम में लगेंगे। आज आज का दिन है नेल्स मेहंदी। अब तो रिटर्न भी हो गए, कैमरा वैमरा सब हो गया, बस अब नेल्स और मेहंदी हमारी रह गई है, क्योंकि वो हमने एंड के लिए रखी थी, एंड में कराएंगे। और कल फिर अपना नाइट में अपने बच्चे का बर्थडे इंजॉय करेंगे, है ना। बड्डी वाला बाबू है ये। कैसे केक काटते हो? आप काटो के केक? अच्छा हाथ बंद है इसके। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बाद में बताना। फिंगर से काट के दिखाता है। और मम्मा का फोन आ गया। ला के कपड़े तपड़े पे ना के बैठी है, और पता अभी ये गिर गई, लड्डू उसकी गाड़ी में बैठा, एकदम पीछे भागी और इसका होठ सूज गया था। ये देखो चीनी डाली इसके मुँह, तो ठीक हो गया। इसके पापा भी नहीं है, पापा पापा करने लगी, और अब मुझसे पैर दबा रही है, रोने लगी थी बहुत तेज। नहीं कैसे रख रखे। ओह मोस्टनी, ओ मेरे गुल्ले। अच्छा ये वाला लाओ जी लाओ। ये दबा देती है। भाई बर्थडे आ रहा है आपका, आप तो चले, ये आपकी है ना। फ़ोन में ध्यान है उसका। फ़ोन दे 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 दे। नहीं सो गाइस चलो, मैं इसी के साथ ये वाले ब्लॉग का भी यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अब मैं भी नहाऊंगी और बस अब खाना बनाऊंगी। आलू मैंने उबाल के रख देते, आलू की सब्जी और आटा गूंदूंगी। पोछा सूख रहा है बाहर, अंदर सूख गया, तो मैं इसे अंदर लेके बैठी हूँ। नोना बाय करो सबको। नोना बेटू फ़ोन भी इग्नोर कर दिया करो, बाय करो सबको। चलो बाय दूर से ही। सो गाइस चलो आपसे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप लोगों को भी वेट है नोना की बर्थडे की। इस बार की पार्टी कैसे होने वाली है, पिछली बार की तो आपने देखी थी। सो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरी मेहंदी, मेरे नेल, सब चीज़ आपको दिखा दूंगी, और रिटर्न गिफ्ट आपको पता लग गया है। मैंने एक सेट दिखाया, एक सेट दूसरा है, क्योंकि सारे पेयर सेम नहीं मिले थे इसलिए। और पिछली बार हमने चीज़ वाली टोकरियाँ रखी थी, बट वो तो हैम्पर्स, तो वो पिछले साल दे दिए थे, तो इस बार इसलिए मैंने ये मिनी क्रॉकरी सेट कराए हैं, जो कि जैसे चाय वाय पीने के काम आएंगे ना, वैसे प्लेटर वाले। सो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू बाय गुड्डू।